राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान शिक्षा पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला ज्ञान विज्ञान। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम हंसते खेलते बच्चे। तनु छुट्टियों में माँ के साथ अपने नाना जी के पास आई हुई है। तनु के आने से उसके नाना जी तो एकदम छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए रोगियों को देखते हैं। तनु उनके साथ रोज सैर करने जाती है। आज भी वे सुबह सुबह सैर कर रहे हैं। आहा, कैसी बढ़िया हवा चल रही है, कितना आनंद आ रहा है इस हवा में। नाना जी वहाँ पर जरा देखिए तो। कहाँ, किधर, क्या देख रहा है बेटा? अरे उधर सामने। आजकल तो जैसे मैं तनु की आंखों से ही देखने लगा हूँ। वहाँ दीवार पर कुछ लिखा है। तनु जरा पढ़कर तो देखो क्या लिखा। नाना जी इस पर तो हंसते खेलते बच्चे का कितना सुंदर चित्र बना है। अरे बेटा वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। और लिखा है बच्चों के स्वस्थ भविष्य के लिए उन्हें समय पर टीके लगवाएं। ठीक। पोलियो, तपेदिक, खसरा जैसे रोगों से बचाएं। बिल्कुल ठीक बेटा। और बेटा तनु तुम तो समझदार हो, समझ गई होगी कि ये बैनर किस लिए लगाया गया है। जी हाँ नाना जी, हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को इन घातक रोगों से बचाने वाले टीके अवश्य लगवाएं। और और आज की कहानी क्यों ना आप इन रोगों से बचाने वाले टीकों के बारे में सुनाएं। ठीक है पर पहले घर के अंदर तो चलो। जी चलिए। दोनों घर के अंदर जाते हैं। तब नाना जी कहते हैं, हाँ तो तनु जी, आज मैं तुम्हें इन रोगों से बचाने वाले टीकों के आविष्कार की कहानी सुनाऊंगा। सबसे पहले चेचक से बचाने वाले टीके का आविष्कार हुआ था। और ये अच्छा काम किसने किया था? इस आविष्कार को करने वाले थे एडवर्ड जेनर। शाबाश तनु, शाबाश, एकदम सही जवाब। घातक रोग चेचक से बचाने वाले टीके या वैक्सीन का आविष्कार डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने किया था। अरे नाना जी ये तो मुझे पता ही है। पर ये पता तुम्हें? वो इंग्लैंड के एक गांव में रहते थे, लेकिन इससे भी पहले भारत और चीन में इस रोग से बचाव के एक तरीके के बारे में लोग जानते थे। अच्छा, वो कौन सा तरीका था नाना जी? बेटे चेचक का भयानक रोग बहुत पुराने समय से मनुष्य को आतंकित करता आया था। लेकिन अब चेचक से बचाव करने वाली वैक्सीन के आविष्कार ने इसे जड़ से समाप्त कर दिया। एक विशेष बात ने लोगों का ध्यान खींचा था। वो क्या नाना जी? वो ये बेटा कि यदि एक बार किसी को चेचक का रोग हो जाता था और उसके प्राण बच जाते थे तो फिर भविष्य में उसे फिर कभी चेचक नहीं होता था। अच्छा, वो रोग के प्रभाव से बचा रहता था। यानी उसके अंदर चेचक से लड़ने की प्रतिरोधी शक्ति आ जाती थी। हाँ बेटे, भारत और चीन के कई चिकित्सकों का ध्यान भी इस महत्वपूर्ण बात की ओर गया। अच्छा। और बेटे इसी के आधार पर उन्होंने चेचक से बचाव का तरीका खोज निकाला। वो
क्या तरीका था नाना जी? चेचक होने पर रोगी के शरीर में दाने उभर आते थे। अच्छा। हाँ, इनमें एक प्रकार का द्रव भरा होता था। जी। जिन लोगों पर चेचक का हल्का प्रभाव होता, चिकित्सक उनके शरीर के दानों से द्रव निकाल लेते। अच्छा। और फिर उसे सुखाकर सुई द्वारा किसी स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा में पहुंचा दिया जाता था। है? हाँ है? बेटा, और इससे उस मनुष्य को चेचक तो होती, लेकिन वो अपना भयानक रूप धारण नहीं करती थी। अच्छा। हाँ, तो बेटे, समय के साथ चेचक से बचाव का ये उपाय एशिया के कई देशों में प्रचलित हो गया। अच्छा। और पता है क्या, सन 1718 में तुर्की में इंग्लैंड के राजदूत की पत्नी अपने देश इंग्लैंड जब तुर्की से वापस गई, तो उन्होंने वहां इस एशियाई तरीके के बारे में बताया। अच्छा। और बेटा, इस प्रकार ये जानकारी एशिया से बाहर कई देशों में पहुंच गई। यानी चेचक से बचाव का उपाय ढूंढ लिया गया? ना, ऐसा भी नहीं था बेटा। तो फिर? कभी कभी इस तरीके से चेचक घातक रूप ले लेती थी। अच्छा। हाँ, और रोगी की हालत बिगड़ जाती थी। तो बेटा, आगे चलकर डॉक्टर जेनर ने इस समस्या का हल ढूंढ लिया। जी। डॉक्टरी की पढ़ाई करते समय उन्होंने चेचक के बारे में जानकारी ली। अच्छा। और बेटे, साथ ही चेचक से मिलते जुलते गौशीतला यानी काउपॉक्स के बारे में भी उन्हें पता चला। गौशीतला यानी काउपॉक्स, ये क्या होता है नाना जी? बेटा, गौशीतला एक ऐसा रोग है जो गाय के थनों को प्रभावित करता है। अच्छा। इस रोग से पीड़ित गाय का दूध निकालते समय ग्वाले इसके चंगुल में आ सकते हैं। जी। डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद एडवर्ड जेनर ने गांव में ही एक दवाखाना खोल लिया। अच्छा। तब गौशीतला के रोगी ग्वाले उनके पास इलाज के लिए आने लगे। और बेटा, डॉक्टर जेनर ने पाया कि गौशीतला यानी काउपॉक्स और चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के बीच एक गहरा संबंध है। जी। जिसे गौशीतला रोग हो जाता था, उसे फिर चेचक नहीं होती थी। ओ। इस संबंध में अपने अनुभव डॉक्टर जेनर एक डायरी में नोट करते रहे। बहुत खूब। हाँ बेटा, और उन्होंने देखा जिसे गौशीतला हो जाती थी, उसे अगर चेचक बचाव द्रव का इंजेक्शन दिया जाता तब भी उस पर कोई बुरा असर नहीं होता था। इसके बाद उन्होंने क्या किया नाना जी? और बेटे, इसके बाद उन्होंने एक ऐतिहासिक प्रयोग किया। अच्छा। गौशीतला के दानों से द्रव निकाल कर उन्होंने 8 साल के एक बालक जेम्स फिब्स की बाह में इंजेक्ट कर दिया। ओ। और बेटे, इस प्रयोग के लिए उन्होंने बच्चे के माँ बाप से पहले ही अनुमति ले ली थी। इसके बाद जेम्स फिब्स का क्या हुआ नाना जी? फिर बेटे, जेम्स को गौशीतला रोग हो गया। ओ। लेकिन वो जल्दी स्वस्थ भी हो गया। अरे वाह। इससे उनका विश्वास बढ़ा और अब डॉक्टर जेनर ने उस पर अपना अगला प्रयोग किया। वो कैसा प्रयोग था नाना जी? बेटे, इस बार उन्होंने चेचक के रोगी के दानों से निकला द्रव जेम्स की बाह में इंजेक्शन से पहुंचा दिया। फिर क्या हुआ? बेटे, इससे जेम्स को चेचक का प्राण लेवा रोग भी हो सकता था। अच्छा। लेकिन आश्चर्य, उसे कुछ न हुआ। अरे वाह। और उसके लगभग 1 महीने बाद उन्होंने फिप्स पर फिर अपना प्रयोग दोहराया। ओ। और बेटा, इस बार भी वो एकदम एकदम स्वस्थ रहा। अरे वाह। लेकिन नाना जी, डॉक्टर जेनर के मन में जेम्स फिप्स को लेकर चिंता तो अवश्य रही होगी। बेटा, बात ठीक है तुम्हारी, पर डॉक्टर जेनर को
अपने प्रयोग की सफलता पर पूरा पूरा विश्वास था। अच्छा। और वो सफल हो भी गए थे। तो इस तरह डॉक्टर जेनर ने चेचक से बचाव करने वाले टीके का आविष्कार कर ही लिया। नहीं 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 बेटा, ना एकदम ऐसा नहीं हुआ। तो फिर नाना जी ने तनु को बताया कि डॉक्टर जेनर ने अपने प्रयोग की सफलता का पूरा विवरण प्रकाशित करवाया तो सब चकित रह गए। अनेक ने उनकी प्रशंसा की तो कई ने उनका विरोध भी किया। नए प्रयोगों के साथ कभी कभी ऐसा भी होता है। लेकिन बाद में तो लोगों को डॉक्टर जेनर के महान आविष्कार का महत्व मानना ही पड़ा। वो तो मानना ही था बेटा। और बेटे, इस तरह आविष्कार हुआ चेचक से बचाव करने वाले टीके का। अच्छा, समझ गई ना? जी। और डॉक्टर जेनर ने इसे वैक्सीन नाम दिया। अच्छा, वैक्सीन? हाँ बेटा, और इसका कारण भी रोचक था। अरे भला इसमें रोचकता की क्या बात थी? सुनो तो सही बेटा, सुनो। लैटिन भाषा का एक शब्द है वैका, उसका अर्थ है गाय। गौ शीतला के दानों के द्रव से बने होने के कारण ही इस प्रकार के टीके को ये नाम मिला। ठीक है, लेकिन नाना जी, हमारे घर के बाहर लगी बैनर पर तो कई बीमारियों के नाम लिखे हैं, उनके लिए टीकों का आविष्कार कब हुआ? देखो बेटा, 18वीं शताब्दी में दो वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वो कौन थे नाना जी? बेटे वो थे फ्रांस के रसायन विज्ञानी लुई पाश्चर तथा जर्मनी के डॉक्टर रॉबर्ट कॉक। अच्छा। डॉक्टर कॉक ने प्रयोगों से पता लगाया कि कुछ घातक रोग कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण होते हैं। जी। बेटी तनु, जी, इस खोज के लिए डॉक्टर रॉबर्ट कॉक को उनके साथी पॉल इनरिक और उनके छात्र एमिल फॉन बेरिंग के साथ 1909 का चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद बेटा 1955 में जोन साक ने एक अलग तरीके की खाने वाली वैक्सीन का आविष्कार किया। अच्छा, वही खाने वाली पोलियो की बूंदे? हाँ बेटा, पोलियो की बीमारी की रोकथाम में विश्व भर से इसके उत्साहवर्धक परिणाम मिले। और बेटे ऐसे ही सफल प्रयासों से BCG वैक्सीन तपेदिक के लिए बनी। अच्छा। और अब तो एक साथ तीन तीन बीमारियों के लिए एक वैक्सीन से काम चल जाता है। अच्छा। हाँ बेटा। वो कौन सी वैक्सीन है नाना जी? देखो बेटा, DPT वैक्सीन डिप्थीरिया यानी गलघोटू, काली खांसी और टिटनेस तीन बीमारियों के लिए है। जी। और बेटे इसी प्रकार MMR वैक्सीन मिजल्स यानी खसरा, मम्स और रूबेला तीन बीमारियों से बचाने के लिए है। जी। अब तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा वायरस से बचाव के लिए भी वैक्सीन के टीके लगाए जाते हैं बेटे। अच्छा। अरे क्या बात है बेटे, ये बात सुनकर तुम जैसे किसी गहरे सोच में डूब गई हो। नाना जी। हाँ? मैं सोच रही थी क्या मैं भी आपकी तरह एक दिन डॉक्टर बन सकूंगी। बन सकूंगी? तनु, तुम तो अपने नाना से भी बड़ी डॉक्टर बनोगी, बड़ी अच्छी। देख लेना बेटा, ये मेरा आशीर्वाद है। सच नाना जी? एकदम। हाँ तो बच्चों, बातों ही बातों में तनु ने अपने नाना जी से सीखी कितनी ही नई नई बातें। क्यों, तुमने भी सीखी ना? तो भाई इसके बारे में अपने साथियों से भी चर्चा करना। बच्चों, आज का ये कार्यक्रम डॉक्टर यतीश अग्रवाल की चिकित्सा विज्ञान की कहानियां नामक पुस्तक से ली गई एक कहानी पर आधारित है। हंसते खेलते बच्चे, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम।
विषय संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आलेख देवेंद्र कुमार, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार जैमिनी कुमार, सतीश कक्कड़, नीतू झांजी और मिताली, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।